हाँ तो देखिए अभी मैंने क्या दिखा आपको, मैंने क्या कर लिया, एक प्लांट क्रिएशन के लिए ओ एक्स टेन टी कोड खोल लिया, और इसके अंदर क्या है, अभी हम इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या नया प्लांट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक दूसरी स्क्रीन पे चलता हूँ, इस स्क्रीन पे जी सेम सेम टी कोड रन करता हूँ। मान लेता हूँ कि पहले वाली आईडी जो मैंने लॉगिन की है, लेकिन ये आईडी आपने लॉगिन कर ली। ठीक है, अब इसी आईडी को आपने लॉगिन किया तो सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ पे, अच्छा द डाटा वॉज लॉक। ये क्यों कह रहा है कि भाई जो आप ट्रांजेक्शन रन कर रहे हो ये ऑलरेडी MM02 आईडी ने खोल रखी है कहीं दूसरे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि या तो अगर मैं इसको यस कर दूंगा अच्छा तो केवल मैं डिस्प्ले में देख पाऊंगा, और अगर हमें इसको निकालना है कि भाई ये आप बाहर निकलो मेरे को काम की जरूरत है, तो मैं SM12 टी कोड रन को रन करूंगा, और उसके अंदर जिसकी भी आईडी है, जैसे भी मेरी आईडी है, इसको डालूंगा और एंटर करूंगा। जैसे एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, लिस्ट बता देगा कि ये कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है। देखो ये बता रहा है कि भाई आपका MM02 आईडी है इस टाइम पे, और ये वाली टेबल T001W जो प्लांट क्रिएशन की टेबल डाटा सेव होता है जहाँ पे, उसमें है। अगर मैं इसको जैसे डिलीट कर दूंगा ऐसे और यस करूंगा, अभी क्या है, जो सिस्टम उस आईडी को लॉक करके वो रखा हुआ है उसको वहां से हटा देगा। अब अगर मैं इसको बैक करता हूँ और सेम टी कोड रन अच्छा करूंगा XK10, अभी ये एप्लीकेबल हो गया देखो। लेकिन जो पहली वाली आईडी है ये वाली काम नहीं करेगी ठीक अभी, ये वाली क्योंकि वहां से लॉक हट गया। ठीक है, ठीक है। ये कंसेप्ट था वो तो। ये सिर्फ प्लांट के लिए ही होगा ना? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के लिए कोई भी है, मान लो कि मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, देखो PR PO की डॉक्यूमेंट टाइप, इन्फो रिकॉर्ड की डॉक्यूमेंट, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, मान लो डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर रहा हूँ, नंबर एंजर साइन कर रहा हूँ अच्छा, मैं, अगर समझ पाए। वो ही चीज दूसरे सामने वाले ने खोली होगी तब होगा ना ये सेम। SPRO के अंदर जो टी कोड या फिर जो भी चीज मैं क्रिएट कर रहा हूँ वही कोई दूसरा कर रहे होगा, तो उसमें हाँ प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि मैं प्लांट क्रिएट कर रहा हूँ और आपने भी प्लांट क्रिएट करने गए तो वो हाँ सेम एरर देगा। मान लो कि मैं PO का डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर रहा हूँ और आप भी PO का अच्छा डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर रहे हो, तो तब बोलेगा कि भाई आपने किसी जी और ने जी लॉगिन किया हुआ है। जी ठीक है, अच्छा, उसी टाइम पे हाँ एट द डे सेम सेम टाइम, सेम टाइम पे समझ सेम गया। ठीक ऑब्जेक्ट को एक एक बंदे को अलाउ करेगा ये एक आईडी पे। ठीक, ठीक है ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले अभी हमने जो दो तीन PO बनाए थे उसके अंदर से एक हम देख लेते हैं पहले हमारा मटेरियल, और क्योंकि अभी हमने पेन का तो बहुत सारे एग्जांपल ले लिए हैं, कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये वायर के नाम से जो अभी मेरा मटेरियल बना हुआ है इसको लूंगा मैं अब की बार। इसका लेने का रीजन क्या, सबसे पहले MMBE के अंदर गया मैं और यहाँ पे इसका मैंने डाला, स्टॉक देख रहे हैं। स्टॉक बोल रहा है जीरो पड़ा है। ठीक है, कोई कुछ नहीं चीजें यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका PO क्रिएट करेंगे। PO क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर में डालते हैं डाटा। हेडर के लिए जैसे हम यहाँ पे गए, सबसे पहले देंगे वेंडर। वेंडर के लिए यहाँ पे मैं नाम सर्च कर वंडर सकता हूँ, F4 कर सकता हूँ, मान लो कि मैंने F4 कर दिया। F4 के अंदर मैं जनरल डाटा के बेस पे देख सकता हूँ कंपनी कोड, अभी मेरी कंपनी कोड है जैसे यहाँ पे कंट्री कंपनी कोड यहाँ TKS1। अच्छा सर, एक चीज और ये बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स क्या होते हैं? मतलब मैं देखता हूँ जब भी 500 रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट का मतलब क्या है कि जैसे अभी क्या है, आप इसको डाटा को निकालोगे, अभी क्या हम टेस्ट सर्वर में है, अगर मैं मान लो कि ये मैंने कंपनी कोड हटा दिया और अच्छा एंटर मार दिया, तो अभी जो सिस्टम क्या आ रहा है कि ये मैक्सिमम हाँ नंबर लेके आऊंगा, जो मैं एंट्री आपकी 500 लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है, अच्छा 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 ये देखो ये मोर 500। देन हाँ 500 इनपुट हाँ ऑप्शन, कि अगर आपको ये ज्यादा करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन वो क्या है, स्मूथ चलने के लिए सिस्टम क्या करता है 500 के लिए रोक के चलता है, एक ट्रैक रखता है कि हम पहले 500 दिखा देते हैं, अब इसको हटा दोगे तो ये टोटली डाटा ले आएगा। ठीक है ना, अभी जैसे अभी मैं इसको अच्छा हटाने अगर जा मैं रहा हूँ। कुछ मेरे कहने का मतलब, अगर मैं कुछ एंट्री नहीं करूंगा तो एक बार में सिर्फ 500 को दिखाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी जैसे मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो ये सिस्टम मेरा हैंग हो गया, ये मतलब मैं SAP हैंग हो गया थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि डाटा ज्यादा पड़ा है, अभी जैसे मैं एंटर कर दिया तो अभी क्या करेगा, ये मोर देन जी 500 जितना भी टोटल डाटा है वो सारा का सारा ले आएगा। एक तरीके से फिल्टर का काम करता है कि मैक्सिमम फर्स्ट टाइम पे 500 दिखाएगा, अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप ये देखो अभी क्या कर दिया, 3141। ठीक है,
अभी मैं इसको बैक करता हूँ वापस से और यहाँ पे जाता हूँ। सर ये जो ये आपने क्रिएट किए हैं कि मतलब पहले से स्टैंडर्ड है ये 500 के पांच नहीं, सौ कि 500 कोई से और देखो, भी क्लाइंट है जिसने? ये क्या है, टेस्ट सर्वर है। टेस्ट सर्वर के अंदर अब अकेले हम काम नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर 200 लोग से ज्यादा काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी क्या कर रहे हैं, अपना अपना क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कंपनी बनाई है, ऐसी अच्छा। ऐसी 200 कंपनी बनी पड़ी होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैंने एक वेंडर ले लिया और हम सीपीयू बनाने चलते हैं। ये डल गया, इसके बाद हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन डाटा पे। ऑर्गेनाइजेशन में ये हमने फिक्स किया हुआ था, फिक्स का शायद मैंने आपको बताया था। पर्सनल डाटा की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम जाके इसको हम यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया होगा लास्ट टाइम पे, बट आप दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से डिफॉल्ट कर दोगे तो ये प्योर डिफॉल्ट हो जाएगी। ये थोड़ा हाँ बस वो हो रहा, क्योंकि शायद आई थिंक इसके ऊपर कोई काम कर ही रहा है, हम ऐसे ही गलत छीन लिया। ठीक है, अभी हम डालते हैं WIRE। नहीं ये तो नहीं था मेरा, अभी हमने ऑलरेडी खोला हुआ था ये वाला कोड। ठीक है, मैंने कोड डाल दिया, ये एंटर कर दिया। एंटर करने बाद प्लांट 9910। मेरे पास वॉइस सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? सही। यस सर, अब हम क्वांटिटी लेके चलते हैं। मान लो कि हम यस सर, सामान मंगवा रहे हैं, वायर 40 50 पीस मंगवा रहे हैं। ठीक है, 50 पीस में नेट प्राइस है मेरा ठीक है। इसका, हम लगा लेते हैं कि 500 रुपये का एक बंडल आ रहा है मेरे पास। बंडल बोल लो या पीस बोल लो, एक पीस 500 रुपये का। ठीक है, अभी हम जस्ट स्टैंडर्ड में ही कर रहे हैं, तो मैं जस्ट इसको सेव कर दे रहा हूँ। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं वैसे दे चुका हूँ कि भाई कहाँ पे क्या चेंज करना है, क्या हटाना है, क्या लगाना, पीओ के अंदर डिटेल में। अब पीओ बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मिगो, GRN करते हैं। ठीक है, इसके साइड बाय साइड में अभी स्टॉक वाला MMBE रन करके दिखा रहा हूँ। MMB को दोबारा से अगर आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे देखो अभी एक क्वांटिटी का बना है। तो थोड़ा सा स्क्रीन वो कीजिए, जूम आउट कीजिए। क्या स्क्रीन जूम आउट नहीं हो रही है? मतलब एक साइड में आ गई है वो, फाइल के जूम ज्यादा हो गई है। तो मैं क्या एक मिनट रुकिए, आप अपने साइड से चेक करना, शायद हो सकता है आपकी साइड से इशू हो। देखिए अभी चेक करिए, मैंने कर दिया है इसको। जी। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसको लेके, ये बना मेरा। अभी स्लैश एन मीगो करता हूँ मैं। ठीक है, मीगो का मतलब है कि हम इन्वेंटरी ले रहे हैं, इन्वेंटरी हमारा स्टॉक जब जितना भी आएगा वो रिसीव करेंगे। गुड रिसिप्ट लिया, यहाँ पे परचेज ऑर्डर, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेरा पीओ नंबर। यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये डाला हुआ। मैंने यहाँ पे डिलीवरी एंटर करता हूँ पहले। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट पे मैंने डाल दिया जैसे मेरा टेस्ट 1212। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ओके का फ्लैग लगा सकते हैं अगर हमें देखना, तो वो वाला चीज देखो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एक चीज, यहाँ पे मैं आपको नोट करने के लिए बताया है, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। पहले हमने जो भी काम किया था क्या होता था, अनरिस्ट्रिक्टेड में दिखाया था आपको सामान यहाँ पे और इसमें, और दूसरा मैंने जो स्टॉक के टाइप बताए थे, क्वालिटी था, ब्लॉक था, अनरिस्ट्रिक्टेड था। पहले वाला पीओ बनाया था हमने, GRN करी थी उस टाइम पे, अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा था, लेकिन अब की बार बाय डिफॉल्ट क्वालिटी आ रहा है। उसका रीजन क्या है आप ये समझिए पहले थोड़ा। रीजन इसका ये है कि अगर मैं मेटल पे यहाँ डबल क्लिक करूंगा, और अभी आपको ये परचेजिंग के इसमें मेटल मास्टर पे लेके आ गया, और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वालिटी का व्यू मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ पे आओगे तो ये क्वालिटी इंस्पेक्शन पे क्लिक हुआ है, यहाँ पे मैं इस पे चेक करूंगा। अगर आपका ये वाला एक्टिवेट है यहाँ पे, तो मतलब ये क्या होगा कि आप इसकी पहले क्वालिटी करोगे। ठीक है, कंसेप्ट समझिए कि क्या हुआ, हमने सामान मंगवाया, सामान हमारे प्लांट पे आया, प्लांट पे आते ही सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी चेक हाँ करेंगे कि भाई आप सही है या खराब है। अगर सही है तो लेंगे, नहीं है तो वापस लेके जाइए। ठीक है, ठीक तो उसी हिसाब से पहले वाले मैंने नॉर्मल रखे थे, तो है अगर आपको ये वाला देखना है कि इंस्पेक्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये वाला चेक देख सकते हो क्वालिटी मैनेजमेंट में, मेटल मास्टर में। ठीक है,
अगर ये आपका लगा होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट वेयर के अंदर ये क्वालिटी लेके आएगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको चेक करते हैं और इंटरस्टोर लोकेशन कि रिसीव कहाँ पे करना है, कौन सी लोकेशन पे, ये हम भूल गए थे यहाँ पे डालना, आरएम में डाल देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल की लोकेशन पर रिसीव कर रहे हैं, चेक और पोस्ट। बाकी डेट वेट का और सब चीजों का तो आप लोगों को पता ही चल चुका है। जो जो चीजें भी हमने डाली हैं तो उन चीजों का तो आपको आइडिया हो चुका। देखो अभी ये मेरी जीआरएन हो गई, अब जीआरएन हुई तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा इसके अंदर, यहाँ पे जो हमने एमएमबी खोला हुआ है स्टॉक का, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखोगे तो आप क्वालिटी इंस्पेक्शन में आ गया, पहले यहाँ पे ऑन ऑर्डर में था, अच्छा ऑन ऑर्डर से हटके कहाँ पे आ गया, क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब क्वालिटी क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं कंजम्पशन जो मैंने आपको करके दिखाई थी 201 करके दिखाई थी, वो 201 नहीं कर सकता हूँ, इससे कंजम्पशन मैं करूंगा केवल इसमें, जब मेरा क्वालिटी हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो अभी पहले हम इसकी अकाउंट की एंट्री चेक कर लेते हैं। अकाउंट की एंट्री के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले गया और डिस्प्ले में जाने के बाद हम इस नंबर के सिस्टम को उठा लेगा, थोड़ा हाँ ये अभी हैंग कर रहा है, आई थिंक वो उसको प्री काम कर रहा था, सुमन यूज कर रहा होगा आई थिंक किसी को, सर, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर, मोबाइल अभी तो ठीक आ रही होगी ना। हो सकता है मे बी इंटरनेट इशू हो। ये चलो देख लेते हैं, अगर हम और कंटिन्यू करते ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं एफआई के डॉक्यूमेंट, थोड़ा एक मेरे को ये बता देना कि स्पीड नहीं है, अगर मेरी स्पीड ज्यादा तो बोल देना। ठीक है, अकाउंट की एंट्री पे गए हम यहाँ पे, ठीक है सर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे जो अकाउंट की एंट्री के जो वो है जीएल है, ये अभी मेरे देखो जीएल हमने गलत लगाए थे, ओबीवाईसी सेटिंग के अंदर कंजम्पशन का जीएल लगा दिया जीआरआईआर, और ये यहाँ पे प्राइस डिफरेंस का जीएल आना चाहिए था, क्योंकि क्या हो रहा मेरा मेटेरियल की अमाउंट ये है। अभी इस चीज का मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझना आप इसको कि ये क्यों हिट कर रहा है ऐसा ऐसा गलत एंट्रियां, मतलब ये 3 लाइन क्यों बनी है। ठीक है, मैं थोड़ा डीप में समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर अभी मैं आता हूँ सबसे पहले परचेज ऑर्डर पे, डबल क्लिक किया मैंने परचेज ऑर्डर पे, और परचेज ऑर्डर के अंदर मटेरियल पे, मटेरियल के अंदर अभी मैं गया अकाउंटिंग के व्यू पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे अभी हमने क्या है, यहाँ पे है मेरा वी, वी का मतलब है वेरिएबल प्राइस, मतलब मूविंग एवरेज प्राइस। अब मूविंग एवरेज प्राइस जो सिस्टम कैसे कैलकुलेट करता है वो मैंने आपको बताया था कि जितना भी स्टॉक है, ये देखो यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है, टोटल स्टॉक मेरा इतना है, सॉरी ये वैल्यू है, टोटल वैल्यू है स्टॉक यहाँ पे होगा आई थिंक ये, जी ठीक है, और इसको डिवाइड बाय में ये टोटल वो करेगा प्राइस करेगा। ठीक है, इसका प्राइस, मेटल मास्टर का प्राइस और मेरा पीओ का प्राइस, इन दोनों में जब भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे मान लो कि मेरा 500 रुपये है, लेकिन मेटल मास्टर जब हमने क्रिएट किया था वहां पे था मेरा 200 रुपये, ठीक है, तो इन दोनों में 300 रुपये का डिफरेंस हुआ, जो वो 300 का डिफरेंस हुआ तो सिस्टम क्या करेगा उसको, यहाँ पे आपको इस डिफरेंस को यहाँ पे अपडेट कर देगा, जो नीचे वाली की होगी ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा इसके अंदर ऐड कर देगा कि भाई नॉर्मल आपका इतना है, आप प्राइस डिफरेंस इतने का कर रहे हो, अभी ये कंजम्पशन का जीएल गलत लगा हुआ है इसकी वजह से वो आ रहा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली इसकी जीआरएन करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं एक बार, ट्रांजैक्शन की यहाँ पे देखो ओबीवाईसी सेटिंग के अंदर जो भी हमारा सिस्टम क्या करता है, हिट करता है वो इसके बेस पे करता है, बीएसएक्स मेरा इन्वेंटरी का होता है, डब्ल्यूआरएक्स मेरा जीआरआईआर का होता है, पीआरडी मेरा प्राइस डिफरेंस का होता है, क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा यहाँ पे जो नीचे में रॉ मेटेरियल कंजम्पशन का जीएल गलत लगा है, इसका रीजन यही है, अगर मैं ओबीवाईसी में जाऊंगा
और अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे पीआरडी एबीसी, ये देखो पीआरडी कॉस्ट प्राइस डिफरेंस, ठीक है। पीआरडी के अंदर अगर हमने अभी जीएल ही हमने वो लगा रखा है कि भाई मेरा कंजम्पशन का लगा रखा है, ये कंजम्पशन का जीएल होगा मेरा, तो वो लगा रखा है, तो इस वजह से वही जीएल को हिट कर रहा है। लेकिन पीआरडी का मतलब आप यहाँ से समझोगे, ठीक है। तो आपके इंटरव्यू से में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मैं नॉर्मल जीआरएन करता हूँ तो उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन हिट होती है, तो ट्रांजेक्शन में केवल मेरी दो हिट होती है नॉर्मली, नॉर्मल सिनेरियो में। अभी ये मेरा प्राइस डिफरेंस आ रहा है इसलिए हो रहा है, नहीं तो नॉर्मल में WRX और सॉरी BSX और WRX ये होगा, अच्छा ठीक है। एक मेरी डेबिट होगी, एक मेरी क्रेडिट होगी। अभी पीओ बन गया है, पीओ बनने के बाद अब हम चलते हैं, सॉरी जीआरएन हो चुकी है, जीआरएन के बाद में अब हम चलते हैं मायरो पे, जो भी हमने कंसेप्ट किया था उस दिन, ठीक है। अभी उससे पहले मैं एक चीज देख लेता हूँ जस्ट। हाँ देखिए यहाँ पे GRIR का बेस का ये जो चेक लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब हम गए /NMIRO, मायरो का जो हमने अभी परसों किया था क्लास उसका कंसेप्ट मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। अभी अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने जीएल सॉरी मेरी जीआरएन हो चुकी है, जीआरएन हो चुकी है तो हम यहाँ पे डालेंगे डेट, जिस भी डेट में हम इसको इनवॉइस कर रहे हैं यहाँ पे गए। इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डालना है तो कुछ डाल सकते हैं कि भाई किस वेंडर किस के नंबर के अगेंस्ट में मैं ले रहा हूँ, तो वो रेफरेंस डाल सकता हूँ, नहीं डालना तो नहीं डालूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पीओ, मैंने आपको डिलीवरी नोट के बेस पे कल करके दिखाया था, और अगर आज भी करना है तो हम यहाँ पे यहाँ पे जो जीआरएन के अंदर मैंने टेस्ट 1212 डाला है वो डाल सकता हूँ। ये देखिए ठीक है, तो अभी मैं वापस से आपको पीओ को बेस पे करके दिखा देता हूँ। मे बी मेरी वॉइस ब्रेक हुई हो, शायद मे बी मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पीओ नंबर डाल दिया, एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे सिस्टम ने क्या कर दिया, एंट्री लिया है और यहाँ पे ऊपर लेके चला गया अमाउंट, जितनी भी मेरी अमाउंट है। इसके बाद यहाँ पे हमने टैक्स का कल कॉन्फ़िगरेशन किया था लास्ट टाइम पे, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है देखो टैक्स 0% का, जो लास्ट टाइम पे विकास ने किया था, ठीक है। तो इसके बाद में मैं इसको टैक्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जितना भी टैक्स लगा होगा, अभी नहीं लगा है तो इसको अभी 0 आ रहा है। इसके बाद अमाउंट हम डालते हैं यहाँ से, इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाला और ये डाल के मैं इसको सिमुलेट कर सकता हूँ। अगर आप सिमुलेट करने जा रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आपका हमारा पहले वाला अभी यहाँ पे भी जीएल मेरा वेंडर का, ये वेंडर का जीएल में जा रहा है, ठीक है। वेंडर के जीएल के अंदर मेरी एंट्री जा रही है इतनी, और इसके बाद GRIR मेरा जा रहा है, ये एक ये क्रेडिट हो रहा है एक डेबिट हो रहा है, तो वही रूल आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो दे रहा है वो माइनस होगा, जो ले रहा है वो प्लस होगा, तो जो दे रहा है वो मेरा डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, तो ये डेबिट है, ठीक है, ये क्रेडिट है क्योंकि ये माइनस हो रहा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये अभी आप देख सकते हो, इसके अंदर और बारी बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ये चीजें डाल सकते हो, पेमेंट टर्म देखो ये मेरी उठ के आ गई ड्यू डेट, ऑटोमेटिकली ड्यू इमिडिएटली कहाँ से उठा, जो हमने वेंडर मास्टर लिया था। हेलो, हेलो हेलो, हाँ गौरव, हेलो वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी, सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल आपकी। ही नहीं आ रही है क्या, अभी आ रही है।